हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल बोर्ड एम यशोवर्धन मिश्रा सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है रिगार्डिंग दिस पैन 2.0 पॉइंट जीरो सो क्या आपको एक नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा सो पैन 2.0 पॉइंट जीरो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है एंड रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं दे हैव अप्रूव द पैन टू पॉइंट जीरो इनिशिएटिव एंड फॉर दिस उन्होंने एक हजार चार सौ पैतीस करोड़ वन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी फाइव करोड़ रुपीज एलोकेट फॉर दिसेक्ट और पैन टू पॉइंट जीरो का पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है दे वांट टू ओवरहॉल द करेंट पैन एंड टैन सिस्टम टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड टैक्स पेयर कन्वीनियंस ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं पैन टू के तो नंबर वन है सिस्टम मॉडर्नाइजेशन सो जो आज के टाइम जो पैन कार्ड यूज हो रहा है वो काफी पुराना है है ना वो टेक्नोलॉजी उसके पीछे काफी पुरानी है

उसके लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रहेगा जो सारी पैन रिलेटेड सर्विसेज उनको कॉन्सल्टेट कर देगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म में और जिसकी वजह से यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा एक्सेस करने में एज वेल एज मैनेज करने में ठीक है एंड द फोर्थ वन इज़ इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी सो आप सबको पता है कि जो टैक्स पेयर का जो डिटेल्स है स्पेशली पैन नंबर के थ्रू जो मिलता है डिटेल्स सो so वो काफ़ी इजिली लीक भी हो जाता है और हमने पास में काफ़ी इंसिडेंसेस भी देखे हैं सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट फ्लॉ ठीक है इन्होंने बेहतर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में इंटीग्रेट किया जिससे टैक्स पेयर का जो डेटा है वो ब्रीच ना हो सके ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है सबसे पहले आपको जो सर्विस डिलीवरी मिलेगी वो और ज़्यादा फास्ट मिलेगी बिकॉज जो पुराना तरीका था उसमें टाइम टेकिंग रहता था और सर्विस में पाने में काफ़ी डिले भी होता था सेकेंड वन इज डेटा एक्यूरेसी तो इस नए सिस्टम से आपको और बेहतर जो टैक्स पेयर की जो इंफॉमेशन है और डेटा है वो और ज़्यादा एक्यूरेटली स्टोर होंगी ठीक है जिससे लेस चांसेस होंगे किसी भी टाइप के एरर्स के थर्ड वन इज कॉस्ट सेविंग्स सो इस पैन कार्ड को आप नया नहीं बनवाना है। आप अपग्रेड कर सकते हो तो आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं मिलेगी दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलराइट सो रिमेंबर दिस थिंग इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सो जो भी प्रेजेंट पैन होल्डर्स हैं दे कैन अपग्रेड टू इट विथ फ्री विथ नो सर्विस चार्ज ऑलाइट सो अब आता सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको नया पैन कार्ड बनवाना है सो आंसर इज नो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है सो so, आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो भी चलेगा वो भी प्रॉपरली वर्क करेगा ठीक है बट वन थिंग इज़ इन द लॉन्ग रन आई बिलीव आप सभी लोगों को इसमें अपग्रेड कर लेना चाहिए ठीक है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक बहुत जल्दी इसका सर्कुलर निकालने वाली है जैसे ही वो सर्कुलर निकालेगा और जैसे ही वो चीज़ सर्विसेज स्टार्ट होंगी आई वुड अर्ज कि आप सभी लोग अपना जो पुराना पैन कार्ड है इस नए पैन कार्ड में अपग्रेड जरूर करा लें ताकि लॉन्ग रन में आपको जो भी सर्विसेज हैं स्पेशली जो टैक्स पेयर्स हैं उन सभी के लिए पहले तो ये फ्री होने वाला है राइट right? सो so, आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा ठीक है सो एक चीज़ ध्यान रखिए आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो भी वर्क करेगा इट इज़ ऑप्शनल आप चाहो तो अपग्रेड करा सकते हो राइट सो दिस इज़ द इंटायर थिंग रिगार्डिंग पैन टू पॉइंट जीरो एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी है ठीक है उसके उसके डायरेक्शन में ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने राइट Ye, I'll see you in the next video. Till then, have a great day and Jahind everyone.